मैं जनार्दन मून, ऑनलाइन रजिस्टर्ड आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप सबको आह्वान करता हूँ आने वाले 13 अक्टूबर 2018 को देशपांडे सभागृह नागपुर में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। इस चर्चा सत्र का विषय है अवैध हथियारों का दशहरे के दिन बिना पुलिस परवानगी पूजन करना। यह वो फर्जी आरएसएस का आतंकवाद नहीं है क्या? इस विषय पर यह चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। इसका समय है 12 से 4 बजे तक, 13 अक्टूबर 2018, डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह नागपुर, महाराष्ट्र। इस चर्चा सत्र में मार्गदर्शन करने के लिए माननीय श्री दिलीप जी मंडल, वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली, माननीय शेख सुभान अली, टिपू सुल्तान ब्रिगेड एवं दंगा मुक्त महाराष्ट्र अभियान के अध्यक्ष तथा माननीय श्री अविनाश काकड़े, संयोजक भारतीय सेवा संघ, माननीय श्री मुकेश मानस, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, माननीय श्री एडवोकेट नितिन जी सातपुते, मुंबई हाईकोर्ट एवं एडवोकेट तरुण परमार, मुंबई हाईकोर्ट। यह अतिथि को हमने मार्गदर्शन के लिए बुलाया है। अब चर्चा सत्र का विषय हमने ये लिया है कि अवैध हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करना। आप सबको मालूम है कि एक आध भी हथियार अगर किसी के यहाँ अवैध पाया जाता है तो उस पर आर्म्स एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस फर्जी आरएसएस का इस दशहरे के दिन खुलेआम प्रदर्शन करना, जिनका लाइसेंस हथियारों का नहीं है, ऐसे आतंकवादी संगठना पर पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, ये भी उसके साथ हमारी एक मांग है। आप सबको हम निमंत्रित करते हैं कि इस चर्चा सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फिर से एक बार हम आपको निमंत्रित करते हैं।